तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जी जाहिद जी, जी जी जमशेदपुर से भी खबर आ रही है कि लड़की बेचने के चक्कर में 5 लोगों को पकड़ा गया है। जी जी जी, क्या है ये पूरा मामला जरा आप बताइए। जी देखिए शालिनी जी, आपको बता दें जमशेदपुर के गोड़ा बांधा क्षेत्र का मामला है। 5 तारीख को एक सवर परिवार के सदस्य जा करके थाना में मामला दर्ज कराते हैं। हमारी बच्ची को चूड़ी बेचने फैक्ट्री में काम कराने के बहाने ले जाया गया था, 2 महीने से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो इस मामले पर पुलिस ने फौरन संज्ञान में लिया और टीम को मध्य प्रदेश भेजा गया था। वहां पर ही पूरे मामले पर जांच की गई, उसके बाद वहां पर ही जो है लोगों को पकड़ा गया है। इसमें इस मामले पर 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 4 है और एक महिला है साथ में शामिल। तो इन 5ों को पकड़ा गया है, पकड़कर मध्य प्रदेश से आज जमशेदपुर में सीनियर एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया है। इस तरह का लड़की को ले जाकर के वहां पर काम कराते थे, उसके बाद 2-3 महीने का वेतन भी दिया जाता था, बाद में उन लोगों को छुपा दिया जाता था और बेचने का काम किया जाता था लड़कियों को। तो इस तरह का बात सामने आया है और इस मामले पर 3 लड़की को बरामद कर लिया है प्रशासन ने, 2 लड़की जो है अभी और बची हुई है। जब हमने बातचीत किया है सीनियर एसपी साहब से और उनका कहना है जल्द से जल्द 2 लड़की जो है अब बरामद हो जाएगी और इस मामले पर और भी जितने लोग शामिल होंगे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। जी जी जाहिद जी, इस पूरे मामले में जो पीड़िता के परिवार है जी, उनका क्या कहना है, उनकी स्थिति कैसी है अभी? जिनके परिवार के बच्चे मिल गए उनका तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिनके नहीं मिले हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, उनकी जी? देखिए शालिनी जी, इस मामले पर हम लोग ने परिवार वाले से मुलाकात नहीं हो पाई है, इसमें सीनियर एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया है। अब जल्द से जल्द जो 2 बच्ची और बची हैं उन्हें भी प्रशासन जल्द से जल्द पकड़ लेगी, ये कहना है सीनियर एसपी साहब का, जिसमें काफी बड़ा सफलता है ये, जिसमें 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और इस मामले पर जल्द से जल्द पुलिस टीम वहां पर लगी हुई है, ये कहना है सीनियर एसपी साहब का। जी जी, कोशिश रहेगी कि हमारे परिवार वालों से भी जल्द से बात हो, ठीक है? बाकी खबरों के लिए बने रहे हैं जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए, धन्यवाद जाहिद जी आपका। 5 जनवरी को गोड़ा बांधा थाना क्षेत्र से जो गांव है ग्राम पहाड़पुर, वहां के सबर परिवार से जो व्यक्ति आए हैं और थाना प्रभारी को लिखित एक आवेदन दिए थे कि उनके बच्ची एवं अन्य 4 बच्चियों की किसी व्यक्ति द्वारा चूड़ी फैक्ट्री में काम करने के लिए मध्य प्रदेश ले जाने के बाद बताई गई थी, लेकिन 2 महीना होने के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो वेट करते थे कि हमारे बच्चे कोई सही सलामत है कि नहीं, इसको पता करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। हम लोगों को इसमें मालूम पड़ा है कि जो रैकेट है बच्ची को ले जाते हैं कहीं दूसरा जगह पर काम करने के नाते ले जाते हैं, प्लस 2-3 महीना पेमेंट करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं और अपना गलत काम करवाने के लिए ये करते हैं। हम लोग इसमें तुरंत देखकर DSP मुसावानी के नेतृत्व में टीम का ट्रेनिंग किया था, इसमें गोड़ा बांधा थाना प्रभारी एवं वहाँ के ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सर उनके नेतृत्व में अनुसंधान टीम गठित किया था। तुरंत हम लोग जो है टीम को रवाना किया था 6 तारीख को, जिसमें हम लोगों को सफलता मिली है, 3 लड़की हम लोगों को बरामद हुई और 5 इसमें अभी हम लोगों को गिरफ्तार हो पाए। जैसे ये लोग इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जो बालेश्वर मुंडा है अभी आपके सामने पेश किया गया था, ये वहीं का रहने वाला है। एक उड़ीसा के व्यक्ति के साथ मिलकर 5ों बच्चियों को, एक माइनर है बाकी 4 मेजर है, लेकिन सब किसी को शादीशुदा नहीं है, इन लोगों को चूड़ी फैक्ट्री को काम करने के नाते लेके गए हैं। वहाँ लेके जाने के बाद हर किसी लड़की को हर अलग अलग रेट में इनको वहाँ का लोकल में और राजस्थान में जाकर बेच दिया गया है। सबसे पहले इन लोगों को एक होटल रूम में रखा गया है, मोबाइल वगैरह छीन लिया गया था, परिवार से संपर्क नहीं हो पाई, प्लस उसके बाद 90,000 से लेकर 6 लाख तक इन लोगों को बच्चियों को बेच दिया गया है। और इसमें जो 3 बच्ची हम लोगों के, एक माइनर और 2 मेजर है, तीनों हम लोग को रिकवरी कर लिए हैं। बाकी 2 बच्ची का हम लोग अभी टीम अभी भी जो है वहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंप कर रही है, और जो लड़की राजस्थान के बात हो रही है उनको करीब 6 लाख के आसपास में एक गुजार कम्युनिटी का आदमी करेगा है। और इन लोगों को मोडस ऑपरेंडी ये है कि बच्ची जब यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पर जो आप महिला एक देख रहे थे ये भारागोड़ा का रहने वाले हैं, अपना ही जिला के हैं, तो ये 25 साल पहले वहाँ गए थे, शादी होकर किसी के साथ रह रही है,